सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक च्यवनप्राश के बारे में, और ये है आपका बैद्यनाथ का केसरी कल्प च्यवनप्राश। तो दोस्तों, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या प्राइस है, क्या डोज है, क्या साइड इफेक्ट है, ये सारी जानकारियां जो है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है हम प्राइस से शुरुआत करते हैं। अगर ये 1 kg का च्यवनप्राश आप लेते हो तो 690 रुपये में मिलेगा। तो इसका दोस्तों पहले जो प्राइस था 660 रुपये का 1 kg आ जाता था, लेकिन अभी जो है महंगा हो गया है। तो दोस्तों समय के साथ जो है प्राइस इंक्रीज होता रहता है। तो आज का प्राइस 690 हो सकता है, आप ये वीडियो बाद में देखें, 2-3-4 महीने बाद देखें, तो हो सकता है 10-15 रुपये और इसमें जो है इंक्रीज हो जाए। तो दोस्तों अगर आप आधा किलो का डब्बा लेते हो, 500 ग्राम का डब्बा लेते हो, तो ये आपको 375 रुपये में मिलेगा, और इसके पहले जो है 354 रुपये में, मतलब 354 रुपीज़ में आता था। तो 375 में 500 रुपये का प्राइस है। और इसके अलावा दोस्तों अगर 250 ग्राम का आप डब्बा लोगे तो 190 रुपये में मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों तीन जो है वेरिएंट में अवेलेबल है, या मैं बोल दूं कि तीन अलग अलग जो ग्राम में है जो है ये अवेलेबल है। तो दोस्तों ये जो च्यवनप्राश है, ये बहुत सारे जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है, और 100% वेजिटेरियन है, और दोस्तों इसमें गोल्ड, सिल्वर, सैफ्रॉन जैसी चीज़ें जो हैं मिलाई गई हैं। दोस्तों ये खरीदना कहाँ से है, तो कोई भी जो आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से अभी जो है परचेस कर सकते हो, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो इसको जो है दोस्तों आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, और घर बैठे बैठे अमेजोन से मंगा सकते हो, और हो सकता है कि आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब इसके फायदे के बारे में बात करते हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं। तो दोस्तों ये जो आपके बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उसको जो है मेंटेन करता है, बॉडी के फंक्शन को बोल दूं, या तो आपकी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करके चलता है, आपको बीमारियों से बचाता है। और जैसे जैसे हमारी उम्र होती है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है, तो उन प्रॉब्लम से दोस्तों ये बचाता है, और कुछ हद तक आपकी उम्र को बढ़ने से रोकता है। उम्र को दोस्तों बढ़ने से तो कोई नहीं रोक सकता, मतलब समय के साथ देखा होगा आपने, मान लीजिए आपकी एज जो है 35 हो गई, लेकिन जो है आपकी स्टैमिना बोल दूं या ताकत जो है आपकी जो है 40 या 45 जैसी है, मतलब आपकी एज के अकॉर्डिंग भाई आपके स्टैमिना और स्ट्रेंथ होना चाहिए ना। लेकिन कहीं ना कहीं देख रहा होगा आपने, कई लोग बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, समय से पहले वीक हो जाते हैं। तो वो इधर मेरा बोलने का मतलब है, एक प्रकार से जो है दोस्तों आपकी ताकत जो है बरकरार रखता है। इसके अलावा दोस्तों आपकी कमजोरी वगैरह दूर करता है, और वेट लॉस करने में भी दोस्तों ये हेल्पफुल है। तो वेट लॉस ऐसा तो नहीं कि इसको लोगे तो वेट लॉस हो जाएगा, मतलब कुछ हद तक हेल्पफुल है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन और इसमें मिनरल्स बहुत सारे हैं, तो मतलब ये आप च्यवनप्राश लोगे तो आपको विटामिन और मिनरल्स आपकी जो बॉडी को जो चाहिए ना वो बिल्कुल मिलेंगे, और उसकी कमी को जो है ये पूरा करेंगे। इसके अलावा आपकी ब्रेन के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, मतलब आपके माइंड के लिए, ब्रेन के लिए। और दोस्तों आपने देखा होगा कई लोग जो है थक जाते हैं, मतलब एक फिजिकल भी थक जाते हैं और मानसिक तौर से भी थक जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये काफ़ी यूजफुल मेडिसिन हो सकती है आपके लिए। इसके अलावा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाएगा, और अगर दोस्तों इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़ जाएगा ना, तो जाहिर है कि आपको छोटी मोटी बीमारियां जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब जो है आपको नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहता है ना, तो सर्दी, खांसी, बुखार जो है हमको कभी भी हो जाता है, चाहे वो ठंड का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, या बारिश का मौसम हो, बारिश में थोड़ा सा भीगे कि नहीं कि भाई सर्दी जुकाम हो गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है कमजोर रहता है, तभी जो है फटाफट या तो जल्दी जल्दी ये सर्दी, खांसी, बुखार होता है। देखो सर्दी, खांसी, बुखार तो ये होगा, ऐसा नहीं है कि आपको कभी होगा नहीं, लेकिन जिनको जल्दी जल्दी होता है तो मान लीजिए कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों आपके हार्ट के लिए काफी अच्छा, आपके हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा है। यूटीआई में काफी यूजफुल जो है च्यवनप्राश है ये, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं, तो उसमें भी काफी जो है उपयोगी साबित होता है। उसके अलावा दोस्तों कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है ये, और दोस्तों फेस में एक प्रकार से रौनक लाता है, और एक प्रकार से दोस्तों मर्दाना ताकत बढ़ाने में भी ये काफ़ी यूजफुल जो है मेडिसिन आप इसको बोल सकते हो। और कुछ आलस टाइप का आता है, हमेशा आपको काम में मन नहीं लगता, आप सोचते हो कि भाई ठीक है थोड़ी देर बाद कर लूँगा, कल कर लूँगा, या कुछ आपका मन ही नहीं लगता है, तो उसमें भी दोस्तों ये जो है बैद्यनाथ केसरी कल्प को आप ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। एक प्रकार से दोस्तों इसको आप टॉनिक बोल सकते हो, ये पूरा पैकेज है, पूरा टॉनिक है। तो दोस्तों इधर जो है फायदे के बारे में आपको पता लग गया होगा, अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो 1 से 2 चम्मच आपको एक दिन में केवल एक बार लेना है, सफिशियंट है 1 से 2 चम्मच, और खाना खाने के बाद लीजिए, और खाना खाने के बाद मतलब आप आधे घंटे बाद ले सकते हो, और अगर दूध के साथ लो तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी च्यवनप्राश जो है दोस्तों वैसे भी लोग ऐसे ही खा लेते हैं,
तो आप ऐसे भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी। अगर दूध भी लोगे साथ में तो काफ़ी अच्छा जो है इसका फ़ायदा मिलेगा और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अब इधर दोस्तों परेशानी अगर ज़्यादा है तो आप 2 चम्मच लीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपको तो केवल 1 चम्मच लीजिए। तो इधर मैं बोलना चाहूँगा केवल जो है आप 1 चम्मच लीजिए, और 1 चम्मच लेके देखिए, अगर आपको जो उसी से फ़ायदा मिल रहा है तो 2 चम्मच लेने की ज़रूरत नहीं है। फ़ायदा नहीं मिलता है तो 2 चम्मच लेके देख सकते हैं। अब इधर बात करते हैं भाई जो बच्चे लोग ले सकते हैं कि नहीं, तो ये दोस्तों बच्चे लोगों के लिए वैसे तो नहीं है लेकिन फिर भी ले सकते हैं, लेकिन 10 साल से ऊपर वाले। भाई अगर 10 साल से कम उम्र है बच्चों की तो एक बार जो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें, जबरदस्ती में बच्चों को कोई भी चीज नहीं देना चाहिए। हाँ 10 साल से ऊपर उम्र है तो 1 चम्मच या आधी चम्मच आप देकर देख सकते हो, और फीमेल भी ले सकती हैं इसको, कोई परेशानी नहीं, मेल फीमेल कोई भी, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी नहीं ले सकती। अगर लेडीज अगर कोई भी लेडी है वो प्रेगनेंसी है तो अननेसेसरी कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए बिना डॉक्टर के सलाह लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको लेना है। अब इधर हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो है इसको ना लें, जिनको डायबिटिक की बीमारी है वो इसको ना लें, क्योंकि ये थोड़ा सा दोस्तों मीठा है, या मैं बोल दूँ कि इसमें थोड़ी सी चीनी मिक्स है, तो मीठी कोई भी चीज़ जो है डायबिटिक वालों को नहीं लेना चाहिए। तो इधर डायबिटिक वाले ना लें, बाकी कोई भी इसको ले सकता है। और इसको लेने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है पेट वगैरह खराब हो रहा है या कुछ दस्त टाइप के लग रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपको साइड इफेक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में इसको लेना बंद कर देना। हालांकि दोस्तों इसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई गई जो है मेडिसिन है, या फिर बोलूँ च्यवनप्राश है, वैसे तो नहीं होता, लेकिन किसी किसी को भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि सूट नहीं करती हैं। तो दोस्तों ये इसके साइड इफेक्ट थे। अब मैं रिजल्ट के बारे में बात करता हूँ, तो रिजल्ट कम से कम जो है 1 से 3 महीना आपको लेकर देखना पड़ेगा। 3 महीने में जो है आपको बेस्ट रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा, और एक बार आपको रिजल्ट मिल जाता है ना तो बीच बीच में इसको ड्रॉप कर सकते हो। जैसे कि 1 महीना ले लिया फिर 1 महीना ड्रॉप कर दिया, या 1 महीना ले लिया फिर 15 दिन इसको ड्रॉप कर दिया। ऐसा नहीं है कि पूरे साल भर भाई आप लेते चाहिए, ऐसा नहीं है। एक बार फायदा मिल गया तो आप मेंटेन करिए, अच्छा खाइए, पीजिए, फ्रूट्स खाइए, फल खाइए, एक्सरसाइज करिए, इस प्रकार से आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ समझ में आ गया हो। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, और अभी भी कोई डाउट है इस च्यवनप्राश को लेकर तो बिल्कुल जो है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और इस टाइप से अगर आप और भी जो है हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, या बैद्यनाथ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, तो प्लीज जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।